कार्यकर्ताओं को चक्का जाम करने से रोका गया है साथियों, लेकिन आज हम एक मैसेज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं। ये कांग्रेस है और आज इसका अध्यक्ष जो नौ दरवाजे से बिलोंग करता है, आज आप हमारा प्रोटेस्ट हमारे धरना को आप पुलिस का बदौलत, पुलिस के सिपाहियों के बदौलत हमारा प्रोटेस्ट रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको सूचना देना चाहते हैं, आने वाले समय में सिर्फ नौ तमिल अंडमान नहीं, पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड हमारे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रामलाल जी का अध्यक्षता में पूरा अंडमान निकोबार बंद कर रहा है। साथियों आज पोर्ट ब्लेयर से लेकर डिग्री पुल से लेकर कैमेले में तक कांग्रेस पार्टी की जो सरकार द्वारा अंडमान निकोबार के गरीब परिवार में पढ़ने के लिए स्कूल दिया था साथियों, लेकिन आज बहुत ही शर्म की बात है, लास्ट पांच सालों से आज एक भी प्री प्राइमरी स्कूल ले लीजिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल ले लीजिए, चाहे कॉलेज ले लीजिए, कांग्रेस के दिया हुआ स्कूल में, कांग्रेस के दिया हुआ कॉलेज में, आज कॉलेज तो है लेकिन उस पर पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स भी है, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है ये एडमिनिस्ट्रेशन आज उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है आज टीचर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। साथियों आज प्राइमरी स्कूल का हालत बस से बदतर हो चुका है। साथियों आज प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के हेडमास्टर नहीं है, आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में देखभाल के लिए प्रिंसिपल नहीं है, आज अंडमान निकोबार के अंदर में कांग्रेस के दिए हुआ सात कॉलेजेस है, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है वो सात कॉलेजेस के अंदर में एक भी लगभग प्रिंसिपल नहीं है। साथियों कहने के लिए तो हमारे पास बहुत बहुत खुश है, हम एक बार कहना चाहेंगे, जब 2012 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जब चुनाव लड़ा था उस पर उन्होंने कहा था और उन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बहुत ही शर्म की बात है, आज पूरे देश भर में ना ही बेटी सुरक्षित है और ना ही बेटी शिक्षित है। नमस्कार, हम आए अब तक चैनल से, आप देख सकते हैं हमारे मायाबंदर जंक्शन पे आज यहाँ पे एक कांग्रेस पार्टी मिलकर एक धरना करने जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के कुछ विषय है, पहले भी एक बार जो यहाँ पर जनरल पब्लिक से ओर से जो मेडिकल को लेके इशू था उसके विषय में जो धरना रखे थे, ये जो अभी ये जो ये धरना है ये कांग्रेस पार्टी की ओर से है। आप देख सकते हैं कि मेडिकल में डॉक्टर नहीं आने के कारण इस धरना हुआ, और यहाँ पे कुछ विषय है BSNL के विषय है और NH रोड के विषय है, उस विषय में इस धरना को रखे है। आगे भी हम जानकारी आपको देते रहेंगे अब तक चैनल से। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर दानापुर क्षेत्र पर एक धरना हुआ था, इस विषय में धरना हुआ था जो महंगाई को लेके, तो आप सब देख सकते हैं आज ये यहाँ पे हमारे अंडमान में इतने महंगाई है, हर चीज़ में इतने रेट यहाँ पे पाए जाते हैं, हर जैसे तेल का रेट हुआ, टमाटर हुआ, हर पीस में महंगाई बढ़ने के कारण ये कांग्रेस पार्टी मिलके ये जो धरना रखे थे, और यहाँ पर इस धरना का समाप्त भी हो चुका है जो सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर 11 बजने वाले हैं, तो यहाँ 11 बजे से यहाँ पर अभी धरना ख़त्म हो चुका है। और यहाँ से प्रशासन से मैं यही कहूँगा, आप लोग थोड़े से आप लोग देखिए कि हर जगह अभी ये धरना ये माया मंदिर में तीसरी बार है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, और इस धरना इसलिए रखा जाता है कि कुछ मांगे पूरे नहीं होते इस विषय में धरना रखते हैं, तो ये मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग सही समय में काम करिए, फिर ऐसा ना हो कि पब्लिक आम पब्लिक रोड में उतर ना जाए। इसलिए मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि यहाँ पे जो भी धरना हुआ था आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महंगाई को लेके और जो हॉस्पिटल को लेके और जैसा गैस, तो अभी सभी जानते हैं यहाँ पर जैसे कर्माटांग क्षेत्र हुआ वहाँ पर 4 महीने से गैस नहीं मिल रहे हैं, तो अभी ये किसको जिम्मेदार ठहरेंगे,
तो प्रशासन को ये ध्यान देना होगा, यहाँ पर लोगों काफ़ी परेशान है और इसी विषय में हम प्रशासन को ध्यान देना होगा। हम इस धरना किस विषय में है, हमारे जय प्रधान एक्स प्रधान जी उसे इस विषय के लिए धरना के बारे में हम जानते हैं। तो सर इस धरना किस विषय में है, ये आप लोग जो कांग्रेस पार्टी मिलके जो इस धरना रखे ये किस विषय में रखे आप लोग? धरना का मुख्य मुद्दा से है कि पूरे नॉर्थ कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरा नॉर्थ और मिडिल इंडिया में जो है ये चक्का जाम और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ये जो है महंगाई को ऊपर लेके, आज सोचिए आज एक गैस सिलेंडर का दाम जो 1000 रुपया गैस सिलेंडर का दाम है, और देखिएगा टमाटर आज 160 रुपये टमाटर किलो है, 80 रुपया प्लेट टमाटर है, आज तेल का जो है 250 रुपये किलो तेल का दाम हो गया है। आप बताइए गरीब आदमी जो है आज कैसा कमाई भी नहीं है, आज कैसा गरीब आदमी खाएंगे। तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग जो है माया मंदिर में जो है एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कैमरे देख सकते साजिद भाई आओ रोड में नहीं आते अनाउंस कर दिया आप लोगों को एक्शन लेना है ना सब लेके चलो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड में बैठने के कारण पुलिस वाला डिपार्टमेंट दो पीछे में बैठो रोड रोड में नहीं बैठना है चलो साजिद हट जा आप देख सकते हैं रोड में बैठने के कारण यहां पर पुलिस वाला 3 व्यक्ति को PCR में बैठाया है। आज ये हमारा संविधानी हक है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने परमिशन नहीं लिया, ये बात गलत है। हम लोगों ने 10 दिन पहले ही ऑल इंडिया रेडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक हम लोग ने प्रेस रिलीज कर दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था कि हम लोग आज का तारीख आज 20 तारीख को पोर्ट ब्लेयर से लेकर डिगलीपुर तक से लेकर कैंपेल पे था हर जगह चक्का जाम करेगा। आज जगह हमारा अरेस्ट है, टोटल इलीगल अरेस्ट है। जैसे हमने गाड़ी के सामने क्यों खड़ा है, हमको लीजिए सर, हम देख ठीक है देख सकते हैं हम एक इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, हमको भी यहाँ पर भगा गया है क्योंकि मेरा मैं एक मीडिया कारण के कारण मुझे भगा गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, मैं वीडियो ले रहा था, मुझे यहाँ से बाहर भगाया गया है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। आज आप जबरदस्ती करेगा, कल हम लोग माया को चक्का माया को बंद करेगा। आपको लेके जब थाना लेके चलो, हम लोग यहाँ पर अरेस्टमेंट आप हम लोग मत करो प्लीज, थाना लेके चलिए, अरेस्ट करिए, केस बनाइए, हम लोग रेडी है भैया। भैया हो रहे हैं, क्या हुआ आप, क्या हुआ बोलिए सर, वीडियो काम तो करने दो भैया, बोलिए सर भैया काम करने दो भैया, वीडियो का काम क्या है, कवरेज कर रहे हैं ना, कवरेज करना है, बैलेंस रिपोर्ट देख, हाँ कवरेज कर रहे हैं, बैलेंस क्या आज जब पुलिस कह रहे हो तो मीडिया दिखाएगा ना, उनका अधिकार है भैया। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।